हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको कि कभी कभी जैसे आपने अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाने की सोच रहे हैं तो ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है या कोई कस्टमर इंक्वायरी करता है, जो नया कस्टमर होता है तो पूछता है सर हमें कोई भी नॉलेज नहीं है कैमरे के बारे में, सर कुछ बताइए यहाँ पे, मतलब क्या क्या प्रोडक्ट लगता है, क्या क्या चीज़ें लगती हैं, तो पूरा कम्प्लीट सेटअप होता है। बहुत सारे लोगों का हमारे सवाल था दोस्तों, बहुत सारे लोगों का फ़ोन भी आता है, फ़ोन करते हैं कहते हैं राज बताइए सर कि इसमें क्या क्या लगेगा, मतलब कैसे क्या सेटिंग, मतलब क्या क्या प्रोडक्ट लगते हैं, DVR कितने चैनल का होता है, कैमरे क्या होते हैं, पावर सप्लाई कितनी लगती है, हार्ड डिस्क कितनी लगती है, मतलब पूरी डिटेल उनको बताना पड़ता। तो दोस्तों हमने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं, इस वीडियो के माध्यम से लोग समझ पाएंगे कि अगर अपने घर में CCTV कैमरा लगवाना चाह रहे हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ सकती है और कैसे कैसे रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से सीखेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपसे दोस्तों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जितने भी डाउट हैं आपके क्लियर हो जाएंगे और लास्ट में मैं एक ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा आपको जिससे आप बहुत बड़े एक्सपर्ट भी बन सकते हैं, कैमरे के नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जाके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मान लीजिए आप हम नॉर्मल कैमरे की बात कर रहे हैं, एक IP कैमरे की हम बात भी करेंगे कि IP कैमरा लगवाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। दो चीज़ें होती है, HD कैमरा होता है, HD कैमरा जिसे बोलते हैं एनालॉग कैमरा, एक होता है IP कैमरा जिसे बोलते हैं IP कैमरा, ये IP कैमरा हो गया है। इसमें देखिए IP कैमरे में क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP का मतलब ये होता है दोस्तों कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये जो IP बेस कैमरे होते हैं उसमें अलग प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, पूरा बिल्कुल चेंज मेथड होता है IP कैमरे का। पर हम जो बात करने जा रहे हैं वो HD कैमरे का है। देखिए HD कैमरे में क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ा ध्यान से आप समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। देखिए रिकॉर्डिंग लगी है नहीं, हाँ थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, बिल्कुल क्लियर मैं बताना चाहूँगा। देखिए पहले क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे DVR की जरूरत पड़ती है। DVR क्या होता है, DVR होता है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, पहला पॉइंट यहाँ पर याद रखिए, DVR की जरूरत पड़ती है यहाँ पर DVR, ये देखिए हमने लिख दिया DVR। अब DVR जो है, पहले एक एक पॉइंट को हम समझेंगे, DVR क्या है, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, DVR का फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। उसके बाद DVR कितने प्रकार के होते हैं, जस्ट 4 चैनल का आता है समझिएगा, उसके बाद आता है 8 चैनल का, ठीक, उसके बाद आता है 8 × 16 चैनल का, फिर 32 चैनल का, 32 × 64 चैनल के। तो अभी मार्केट में 4 चैनल, 8 चैनल, 16 चैनल, 32 चैनल, 64 चैनल, 64 चैनल, उसके बाद और आगे जाएंगे आप तो मिलेगा आपको 128 चैनल, ठीक। अभी तो मार्केट में इतने ही आ रहे हैं, 8, 16, 32, 64, 4 चैनल। अब देखिए 4 चैनल में जो आप कैमरे लगवाएंगे वो 4 कैमरे ही लग पाएंगे, मैक्सिमम 4, मिनिमम 2, 1, 3, 4, मैक्सिमम 4, मिनिमम आप कितना भी, 1 लगवाइए, 2 लगवाइए, 3 लगवाइए, 4 लगवाइए, ध्यान समझिएगा, 8 कैमरे में मैक्सिमम 8, मिनिमम 2 लगवाइए, 3, 4, 5, 6, उसी प्रकार 16, उसी प्रकार से 32, मैक्सिमम 64, मैक्सिमम 128, कम से कम आप 128 में कम से कम आप एक कैमरा भी लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि मैक्सिमम 128 वाले चैनल में 128 कैमरे ही लग पाएंगे। उसके बाद जरूरत पड़ती है दूसरे, यहाँ पे आता है डोम कैमरा, ठीक, DVR के बाद डोम कैमरा समझिएगा। अब डोम कैमरे में क्या है, इसमें भी 1 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल। अभी मार्केट में जो लखनऊ की हम बात करें, लखनऊ UP में 1 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल तक के ही कैमरे हैं, उससे ज़्यादा मेगापिक्सल कैमरे अभी मार्केट में नहीं हैं। ये डोम कैमरा क्या होता है, डोम कैमरा लोग पूछते थे, डोम कैमरा क्या होता है, डोम कैमरा देखिए अंदर जो इनडोर कैमरे होते हैं, जैसे जो अंदर लगे होते हैं, जैसे कमरे के अंदर जो लगा हुआ है वो डोम कैमरा है। अब कमरे के बाहर जो लगेगा बुलेट कैमरा होगा। चलिए हम बुलेट कैमरे की बात कर लेते हैं, दोनों को जब डिफरेंस बताएंगे तब आपकी समझ में आ जाएगा। यहां देखिएगा बुलेट कैमरा, ठीक। अब देखिए बुलेट कैमरा क्या होता है, डोम बुलेट कैमरे में डिफरेंस क्या होता है, डोम कैमरा इंडोर कैमरा होता है, बुलेट कैमरा आउटडोर कैमरा होता है। बुलेट कैमरा जो वाटर प्रूफ कैमरा होता है, वेदर प्रूफ कैमरा होता है।
मौसम के हिसाब से एडजस्ट होता रहता है। जैसे बारिश हुआ कोई दिक्कत नहीं, भीग भी जाएगा थोड़ा तो खराब नहीं होगा, और जहाँ ठंड पड़ रही तब भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म भी पड़ रही तब भी कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ, अगर बुलेट कैमरे को पानी में डुबो के रख देंगे तब वो खराब हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये हमारा कि वाटर प्रूफ है ना कि नहीं सॉरी वेदर प्रूफ है ना कि वाटर प्रूफ सॉरी वेदर प्रूफ है ना कि वाटर प्रूफ। इसमें भी आपको 1 मेगापिक्सल मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल। ठीक, अब हमने DVR बात कर ली, डोम कैमरे की बात कर ली और बुलेट कैमरे की बात कर ली। अब हम करेंगे चौथे नंबर हार्ड डिस्क की बात। यही मेन पॉइंट होता। अब देखिए, डिपेंड करता ऑन कैमरे के ऊपर, आपके यहाँ कितने कैमरे लगे, कितने TV के आप हार्ड डिस्क लगवाना चाह रहे हैं। जैसे हार्ड डिस्क में बता दें, पहले तो अभी मार्केट 1 TB, 2 TB, 4 TB, 6 TB, 8 TB मार्केट में, यहाँ तक आपको हार्ड डिस्क मिल जाती है 1 TB, 2 TB, 4 TB, 6 TB, 8 TB। पर अभी हमें 6 TB ही पर्याप्त होती है। जैसे हम चार कैमरे लगा रहे हैं, चार चैनल का DVR है, चार कैमरे लगवा रहे हैं, तो 1 TB अगर हार्ड डिस्क लगवाते हैं तो 15 या 20 दिन की रिकॉर्डिंग मिल जाती है। अगर चार कैमरे में 2 TB की हार्ड डिस्क लगाते हैं तो 15 × 2 = 30, कम से कम एक महीने से ऊपर की रिकॉर्डिंग मिल जाती है। अगर चार चैनल में 4 TB की हार्ड डिस्क लगाते हैं, समझिएगा बात हमारी ध्यान से, अगर चार चैनल के DVR में 4 TB हार्ड डिस्क लगाते हैं तो मान चलिए 2 मंथ से ऊपर की रिकॉर्डिंग मिल जाती है। अगर 4 चैनल में 6 TB की हार्ड डिस्क लगाते हैं तो मान चलिए कि 3 से 4 महीने की रिकॉर्डिंग मिल जाती है। पर 4 चैनल DVR में 6 TB तक हार्ड डिस्क सपोर्ट करती, 8 TB इससे अबव की हार्ड डिस्क नहीं सपोर्ट करेगी। ये हो गया। उसके बाद 5 नंबर पे आते हैं, आपने समझा DVR, डोम कैमरा, बुलेट कैमरा, हार्ड डिस्क। अब 5 नंबर में आते हैं पावर सप्लाई। देखिए, अब पावर सप्लाई क्या है दोस्तों, ये आपने नाम सुन के ही समझ गए होंगे। पावर सप्लाई आपकी 4 चैनल की होती, 8 चैनल की होती, 16 चैनल की होती, 32 चैनल की होती, 64 चैनल की होती। जैसे कैमरे होते हैं वैसे पावर सप्लाई भी होती है। जैसे 4 चैनल की पावर सप्लाई है, 4 चैनल का DVR है, 4 चैनल की पावर सप्लाई लगेगी। 8 चैनल का DVR तो 8 चैनल की पावर सप्लाई लगेगी। 16 चैनल का DVR तो 16 चैनल की पावर सप्लाई लगेगी। 32 चैनल का DVR तो 32 चैनल की पावर सप्लाई लगेगी। अगर 64 चैनल का DVR तो 64 चैनल की पावर सप्लाई लगेगी। और दूसरा काम ये भी हो सकता है, अगर 16 चैनल का DVR है तो 8-8 की 2 पावर सप्लाई लगा सकते हैं। अगर 8 चैनल का DVR है तो 4-4 की 2 पावर सप्लाई भी लगा सकते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि 16 का DVR तो 16 की पावर सप्लाई लगे, आप 16 वाले DVR में 8-8 करके 2 पावर सप्लाई लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों 6 नंबर पॉइंट, 6 नंबर प्रोडक्ट की बात करेंगे। यहां पे दोस्तों आपको वायर, यहां पे वायर रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, वायर जो होता है वायर 3+1, ध्यान दीजिएगा, वायर 3+1 होना चाहिए और कॉपर वायर होना चाहिए। 3+1 का मतलब अंदर 3+1, अंदर कम से कम 5 तार निकलेंगे। 3+1 आपका तार होना चाहिए, जो तार होना चाहिए, तार आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। बहुत सारी कंपनियों के तार आते हैं, जैसे हैवेल्स हो गया, CP+ हो गया, RRK हो गया, और बहुत सारी कंपनियों के तार आते हैं जो ब्रांडेड तार हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो तार आप यहाँ पे ले सकते हैं। 7वें नंबर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे, यहाँ पे BNC और DC, ये जो वीडियो थे यहाँ पे BNC इंटू DC, ये देखिए, ये कनेक्टर होते हैं, BNC एंड DC एक कनेक्टर होते हैं जो कैमरे प्लस वायर को जोड़ने का काम करते हैं। क्योंकि कैमरा अलग होता, वायर अलग होता, वायरिंग हो गए, कैमरा फिक्स हो गया, तो कैमरे को जोड़ने का काम, डायरेक्ट हम कैमरे में तार जोड़ नहीं सकते, तो कैमरे को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं कनेक्टर। कैमरे का जोड़ने काम करते हैं इसलिए इसको कहते हैं कनेक्टर। ठीक, अब उसकी बात हम बात कर लेते हैं, ये आपने समझ लिया होगा। फिर से मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, ये DVR, ये डोम कैमरा, ये बुलेट कैमरा, ये हार्ड डिस्क, ये पावर सप्लाई, ये वायर, ये BNC एंड DC। चलिए इसको मिटाते हैं दोबारा हम दूसरे, और ये टोटल 7 प्रोडक्ट हो गए हैं। अभी थोड़े प्रोडक्ट और बचे हैं, उसकी बात हम यहाँ पे करते हैं। ठीक, अब ये यहाँ पे थोड़े प्रोडक्ट और बचे हैं, उसकी बात हम कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 7 प्रोडक्ट हो गए थे, 8 प्रोडक्ट यहाँ पे BNC एंड DC कनेक्टर वहाँ पे हो गया था।
इसके बाद आती है वायर क्लिप वगैरह, जो वायर क्लिप, जो मतलब वायर क्लिप हो गया, पाइपिंग में वायरिंग हो रही, जो पाइप हो गया, वो तो एक पार्ट्स अलग है। उसके बाद आता है इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस एंड कॉन्फ़िगरेशन चार्जेस, ठीक। अब देखिए इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन चार्जेस होते हैं, जो इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन चार्जेस होते हैं ये चार्जेस आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जो लड़का आपके यहाँ काम करने जाएगा, जो आपके यहाँ कैमरे इंस्टॉल करेगा, लगाएगा, ताकि आपके कैमरे को कन्फिगर करेगा, तब आपको वहाँ पर पॉइंट के हिसाब से देना पड़ता। अब देखिए पर पॉइंट हमारे यहाँ क्या रेट चल रहा उसकी बात मैं कर लेता हूँ, आपके यहाँ क्या रेट चल रहा वो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, आपके वहाँ पर पॉइंट क्या चल रहा, क्योंकि ये वीडियो जो वर्ड में देखी जाएगी। अब देखिए जैसा एक कैमरा यहाँ पे लगाते, चार कैमरे का एक सेटअप लगता है, ठीक, चार कैमरे का एक सेटअप लगा यहाँ पे, तो चार कैमरे, टोटल चार कैमरे हैं, तो चार कैमरे का यहाँ पे हमने एक कैमरे का हमने कर दिया 400 रुपये के हिसाब से, ये टोटल 400 हो गया। अगर हम चार कैमरे का 400 रुपये के हिसाब से करते हैं, टोटल 1600 रुपये हो गया। अगर जो लड़का काम करने जाएगा, चार कैमरे का सेटअप लगाएगा, वो 1600 रुपये लेगा। 1600 रुपये में वो बिल्कुल वायरिंग करके, कन्फिगर करके, आपको दिखा करके, बाकायदा ट्रेनिंग दे करके, आपको पूरी चीज़ें समझा करके वो लड़का तब आएगा, पर उसका 1600 रुपया, चार कैमरे का 1600 रुपया चार्ज करेगा। इसके बाद यही होता है कुछ इसी प्रकार से, इसी प्रकार से इतने प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, शायद आप समझ गए होंगे। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सर थ्योरिकल समझाइए, थ्योरी के हिसाब समझाइए, प्रोडक्ट आप दिखाते हैं वो तो ठीक है, प्रोडक्ट आप लाइव दिखाते हैं वो तो बिल्कुल सही है, पर थ्योरिकल समझाइए, ताकि हम समझ सकें कि अगर हमारे यहाँ कैमरे लगाने होते तो क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, कैसे कैसे कैमरे लगाते हो लगाने होते हैं, डीवीआर कितने कितने चैनल के आते हैं, एक डीवीआर में कितने कैमरे लग पाते हैं, 8 चैनल के डीवीआर में कितने कैमरे लग पाते हैं, पूरी डिटेल कवर कीजिए सर। तो मैंने पूरी डिटेल की वीडियो बना दी, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, जरूर से जरूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और हाँ अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लास्ट में आप आ गए तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैंने बताया था आपको कि आप लास्ट में आए हैं दोस्तों, लास्ट तक आपने हमारी वीडियो जरूर देखी है, तो आपको एक ट्रिक्स बताना चाह रहा था। यहाँ पे हमारे जो चैनल है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे सीसीटीवी कैमरे के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, एक बनी है सीसीटीवी कैमरे कोर्स के नाम से, फुल कोर्स के नाम से बनी है। तो आप दोनों सीसीटीवी कैमरे की जितनी वीडियो वो देख लीजिए, सीसीटीवी फुल कोर्स की वीडियो वो देख लीजिए। देखने के बाद आप यकीन मानिए मेरा, आप मेरा यकीन मानिए, आपको सीसीटीवी कैमरे के एक्सपर्ट बनने से कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों। इतना अगर वीडियो आप देख लेंगे, 100% आप सीसीटीवी कैमरे का काम करना शुरू कर देंगे, कहीं सीखने जाने की जरूरत नहीं, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं, घर बैठे आप अपने सीसीटीवी कैमरे कोर्स सीख सकते हैं, उसके बाद अपना बिजनेस कर सकते हैं, पर पॉइंट के हिसाब से काम कर सकते हैं, या अपना मार्केट में कंपनी खोल करके मार्केट में प्रोडक्ट बेच सकते हैं, कुछ भी आप यहां से काम शुरू कर सकते हैं, जैसे मैंने अपना काम किया है और यहां से अच्छी खासी अर्निंग मैं करता हूं दोस्तों। ये तो बस यूट्यूब जो है दोस्तों, ये पार्ट आप मेरा शौक है, हमारी शौक है दोस्तों, इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूं, ताकि लोगों को जानकारी दे सकूं और लोगों को बता सकूं, समझा सकूं दोस्तों। हमारा ये शौक है, हमें अच्छा लगता है वीडियो बनाना, लोगों को बताना, समझाना हमें अच्छा लगता है। हमने पता नहीं कितने लड़कों को ट्रेन किया है सीसीटीवी कैमरे के कोर्स, हमने कितने लोगों को सिखाया है, हाथ पकड़ पकड़ के लोगों को काम सिखाया दोस्तों, पर लोग काम सीखने के बाद चले जाते हैं, अपना काम करना शुरू कर देते हैं, फिर से मैं अकेले रह जाता हूं दोस्तों। इसलिए मैंने सोचा कि ऑनलाइन फैमिली बहुत बड़ा परिवार बनाया जाए, ताकि लोग हमसे जुड़े रहें, हरदम से हरदम जुड़े रहें, इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल खोला। अब यहाँ लोगों को सिखाने का काम, ट्रेन करने का काम, टेक्निकल की नॉलेज, बैंक अकाउंट कैसे ओपन करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें, जितनी भी टेक्निकल नॉलेज हमें दोस्तों हैं, हमें इस फील्ड में शौकीन है, मुझे टेक्निकल नॉलेज लोगों को बताना प्लस सीखना बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।